मंदिर ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को न्योता दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक रुख अपना साफ नहीं किया है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस शामिल होगी या नहीं होगी। हालांकि निमंत्रण पाने वाले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी तरह तरह की राय सामने आने लगी है। अब केरल में कांग्रेस पार्टी के सहयोगी और इंडिया गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हरगिज अयोध्या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को मंदिर मस्जिद बनाने के लिए सहयोग नहीं दिया गया है। सीपीएम के ही सांसद ने कहा है कि कांग्रेस ऐसे मसलों पर शुरू से ही कंफ्यूज रही है और इस बार उसकी परीक्षा है। उधर इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं ने भी बीजेपी पर उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया है और शरद पवार जैसे नेताओं ने न्योता नहीं मिलने की भी बात कही है। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि उन्हें न्योता मिला तो वो जरूर 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या लेफ्ट और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की ओर से कांग्रेस पार्टी पर अयोध्या नहीं जाने का दबाव बनाया जा रहा है? क्या 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन राजनीतिक कार्यक्रम है और क्या 22 जनवरी को अयोध्या जाने को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों में एक राय नहीं दिखाई दे रही? 4 साल बाद अब 2024 में राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि मंदिर में भूमि पूजन कार्यक्रम से विपक्षी दल दूर ही रहे थे, लेकिन जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो उद्घाटन के कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रीय दलों के नेताओं समेत कई राजनीतिक चेहरों को निमंत्रण दिया गया। इस निमंत्रण को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों में तरह तरह की बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने को लेकर सकारात्मक बयान दे दिया तो गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने रामलला के मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया। अब दक्षिण भारत से एक और दल ने कांग्रेस पार्टी पर रामलला के मंदिर का बहिष्कार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन को ऐसे मुद्दों पर रुख साफ करना पड़ेगा। वे बैठकर इस पर बात करेंगे। हम सभी उसके सहयोगी हैं। हमने कांग्रेस को मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए सहयोग नहीं दिया है। केरल में कांग्रेस पार्टी की सहयोगी IUML का ये सख्त रुख तब सामने आया है जब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने राय रखी कि राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण पर अयोध्या जरूर जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दे दिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। राम के नाम पे जो वोट मांगने वाले लोग हैं, उन लोगों से हमारा सवाल ये रहेगा कि भाई इस देश में जो भुखमरी बढ़ी है, इस देश में जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हैं, उनको दूर करने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है? सर, पुटिंग द कांग्रेस लीडरशिप इन अ बॉक्स एंड सेइंग इफ यू गो दैट मींस यू आर प्लेइंग इनटू द बीजेपीज हैंड्स, इफ यू डोंट गो दैट मींस यू आर एंटी हिंदू, आई मीन दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉनसेंस। व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? आई थिंक लेट द इंडिविजुअल्स मेक अ रीजनेबल चॉइस एंड दे विल डू व्हाट दे कंसीडर। ये कार्यक्रम भाजपा का नहीं, पहली बात तो प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, ये तीर्थ पुरोहित करें। हालांकि कांग्रेस पहली राष्ट्रीय पार्टी है जिसके 3 नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को अलग अलग श्रेणी में राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता मिला है, लेकिन गठबंधन में शामिल अन्य किसी दल के अध्यक्ष को 22 जनवरी के कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि 22 तारीख को जिनको निमंत्रण मिला है वो तो अवश्य जाएं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अलग अलग दिनों में खुलेगा तो उस पर जाना चाहिए। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में, तो मुझे लगता है प्रभु श्री राम को एक तरह से किडनैप कर दिया, तो हम क्या बैठे है क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे राम लल्ला का दर्शन करने। उधर इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें तो न्योता ही नहीं दिया गया। राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है। कुठेतरी राम मंदिराचं भाजप राजकारण करतंय का?
शक्यता ना करते इतने पॉइंट कसा है आमिर राम कृष्ण हरी वाले। वैसे अभी तक के रुख से ये प्रतीत हो रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कई दल राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहते हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी पर दबाव भी बढ़ाया है। आज तक ब्यूरो। केके शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सीधे शिवसेना गुट के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कहा जा रहा है, संजय राउत ने आरोप लगा दिया है आप लोगों पर कि राम जी को किडनैप कर लिया है, बीजेपी का यह कार्यक्रम है, और जिस तरह का पूरा माहौल बनाया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि रामलला का ना होकर भारतीय जनता पार्टी 24 के एजेंडे को सेट करने के लिए यह कार्यक्रम लेकर आई है। केके शर्मा जी, मैं चित्रा जी क्या कह सकता हूं संजय राउत जी के बयान पर, आज उनको खिसियाहट है, पश्चाताप हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि जिस तरह का निर्णय उन्होंने सत्ता की लालच के लिए किया और जो पूज्य बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी उस शिवसेना को उन्होंने सोनिया सेना बना दिया और केवल सत्ता के लिए, तो आज उनको ये दिन देखने पड़ रहे, ये खिसियाहट दिखने को मिल रही है। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि उसे बाला साहब ठाकरे शिवसेना का जो है एक तरह का आंदोलन में अच्छा खासा योगदान रहा है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आप उन्हीं लोगों से जा मिले जो लोग कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है, जो लोग एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। अरे तो गर्भगृह में जो मुख्य कार्यक्रम रखा गया है उसमें या तो बीजेपी के नेता रहेंगे या मुख्य पुजारी रहेंगे, बाकी किसी विपक्षी दल को तो आपने इनवाइट किया नहीं है। आप कह रहे हैं शिवसेना का बड़ा रोल रहा है, बाला साहब ठाकरे का रोल रहा है, तो उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों को तो आपने आमंत्रित भी नहीं किया है। नहीं चित्रा जी, मुझे आश्चर्य है, आप तो इतने समय से अभी भी आपने रिपोर्ट किया, ये आमंत्रण कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है क्या? ये आमंत्रण तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का आमंत्रण है। हाँ, ये ट्रस्ट एक स्वतंत्र ट्रस्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, और 8,500 लोगों को वहां पर बुलाया गया है, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, कलाकार जो है, संगीतकार, खेलकूद के क्षेत्र के तमाम लोगों को बुलाया गया है वहां पर। अब किसको देना नहीं देना ये तो ट्रस्ट निर्णय करेगा। ठीक, आपने जो बात मुझे संजय राउत के बयान पर कही मैंने उस पर प्रतिक्रिया, नंबर दो। हाँ। आज सोचिए, मेरी एक बात पूरी होने दीजिए, किस स्तर तक जो है इस भारतीयों के 140 करोड़ भारतीयों की आस्था से खिलवाड़ किया गया, भगवान राम काल्पनिक है एफिडेविट दिया, इसके बाद आप कहते हैं कि इतना बड़ा महल था तो किस कमरे में पैदा हुए? अरे अब अपना दिल बड़ा कीजिए ना केके शर्मा जी, कब तक आप बताते रहेंगे कि भगवान राम को नकारने की कोशिश हुई? अब तो भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, और आप लोगों के हाथ में निमंत्रण, आप कह रहे हैं कि नहीं तीर्थ ट्रस्ट ये तय कर रहा है, बीजेपी के नेताओं का रोल नहीं है क्या? कौन मानेगा केके शर्मा जी आपकी बात को कि सारा निर्णय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ही है? मुझे एक बात सुनिए जी, नहीं बिल्कुल, तो जब वहां ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट स्वयं निर्णय कर रहा है, तो उसमें आप ये तो इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी, इसलिए हम पे आरोप लगाना है, पहले भी यही आरोप थे, पहले भी तो इसी तरह से हाथ करते थे ना 140 करोड़ भारतीयों को कि वहां शौचालय बना दो, गर्भगृह जहां पैदा हुए भगवान राम वहां शौचालय बना दो, इस स्तर तक गिरेंगे एक धर्म के लिए? ये हिंदुओं की आस्था नहीं है, ठीक है, 140 करोड़ भारतीयों की आस्था नहीं है। किशोर तिवारी जी हमारे साथ इस गुट से जुड़ चुके हैं, ठीक है। नहीं, मैं एक बात और कहके समाप्त करता हूं, मात्र एक बात कहके, आप ये जानिए कि 140 करोड़ भारतीयों के आस्था के केंद्र है भगवान श्री राम जी, तो ये भी मानिए कि यही लोग इस देश के मतदाता भी हैं, ये इस देश के मतदाता कोई बाहर से नहीं आएंगे, ये यही 140 करोड़ भारतीय है, इन्हीं के अंदर से राम के नाम पर आप राजनीति करते हैं ना, मैं इसलिए दे राजनीति नहीं है। हाँ। ना 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 ना, ना सुने, अब आपने ही बता दिया 140 करोड़ लोग जो है वो मतदाता है, यदि हाँ तो आप यदि उनकी भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी आपको मिलना तय है, ये है। भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उनकी भावनाओं को ठोस पहुंचाइए, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी विरोध मत कीजिए, माफी मांग लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, और इसके ये कह लीजिए कि हमसे गलती हो गई, ठीक है। किशोर तिवारी जी, अब सीधे आपके पास आते हैं, ठीक है। उद्धव ठाकरे गुट से रह रहकर बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं किशोर तिवारी जी, मेरा ये सीधा सा सवाल है कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ने भगवान राम को किडनैप कर लिया है?
संजय राउत क्यों बोल रहे हैं ऐसा? जब वो विवादित ढांचा गिरा था तो बीजेपी वाले तो सांप नट गए, और हमने कबूल किया कि विवादित ढांचा हमने ही ध्वस्त किया है और राम मंदिर के लिए मार्ग ओपन किया है। लेकिन आज यह कहते के शर्मा कि हम लिस्ट नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। मुझे तो पूरा मालूम है कि 8000 लोगों की लिस्ट पीएमओ से फाइनल हुई है, और बाला साहेब ठाकरे की का जो रोल था और हमारे शिवसेना की जो वहां पर शहादत हुई थी, आप कांग्रेस को बुला रहे हो। के शर्मा ने कांग्रेस के बारे में इतना कहा, लेकिन निमंत्रण के पहले लाट में उनको निमंत्रण दिया। अब उद्धव जी को निमंत्रण नहीं दिया तो हम तो जाएंगे ही वहां, क्योंकि राम जी तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण मिला है तो। अब तिवारी जी यहाँ पर मायूस हो रहे हैं, कांग्रेस को निमंत्रण दे दिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया, इसमें मायूसी किस बात की? आपके सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के। चित्रा जी, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी ने हाइजैक किया है और गंदी राजनीति कर रहे है, ये जनता के सामने हमने सामना में रखा है। और आप क्या कर रहे हो, रामलला के सहारे 24 का चुनाव जीतना चाहते हो? अरे नागपुर की रैली आज की देखी क्या? अब तुम्हारे पराजय का के शर्मा तुम्हारी विफलताओं को गिनना चालू हो जाएगा। किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर पे तो बात नहीं कर रहे। नागपुर में रैली कर रहे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले अपना भाषण भी खत्म किया है। के शर्मा जी, उस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनुराग जी आ रही हूं आपके पास, पारिस पठान जी आपके पास भी। नहीं, मुझे आज मैं यही तो बोल रहा था कि जिस ढंग से शिवसेना, जो आज जिसके पास नाम भी नहीं है, निशान भी नहीं है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे के किस तरह से सोनिया जी और कांग्रेस आपने चुरा लिया है, तो ये बताइए आपने चुरा लिया? ये जो स्तुति गान इनका करने, भैया आप तो पार्टी चोर हो, पार्टी चोर। मैंने बीच में नहीं बोला, अरे भैया पार्टी चोर हो। चित्रा जी को बोल लेने दीजिए, किशोर जी को बोल लेने दीजिए, एक एक करके आज जिस पहले ये कबूल करो हमारी पार्टी चुरा ली 5000 करोड़ में हमारे विधायक। अभी राम पर ही रहते हैं किशोर तिवारी जी, राम पर ही रहते हैं, राम पर ही रहते हैं। हाँ, झूठ तो बोलते कितने हैं, राम की बात करते हैं अभी में आज आज इसी महाराष्ट्र रखते हैं। फिर बताइए बतमीजी कर रहे हैं। एक सेकंड प्लीज किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी प्लीज आपको बोल लेने दीजिए। ठीक है, अपनी बात रखिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, किशोर जी मैं आदमी हूँ। नहीं नहीं किशोर जी मैं आदमी, ठीक है उनके बीच में मत बोलिए, आपसे गुजारिश है सर, आप भी बहुत खास मेहमान हैं, प्लीज किशोर तिवारी जी उनको बोल लेने दीजिए, बाकी चार लोग भी हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। झूठ मत बोलो। अच्छा ठीक है, झूठ मत बोलो। ठीक है सर, के शर्मा जी अपनी बात रखें। देखिए अभी 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 आपके करोड़ों दर्शकों ने देखा कि ये किसकी अभी जो है पर प्रशंसा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की रैली की बात कर रहे हैं, जिस रैली में महाराष्ट्र में हो रही है, जहां इनको बुलाया भी नहीं गया है, जहां इनको बुलाया भी नहीं, पूछा भी नहीं है उन लोगों को, लेकिन प्रशंसा उनकी जा रही है। अरे अपना कर लिए होते तो मैं इसलिए कहता हूं, तो फिर गुणगान क्यों गा रहे हो, फिर गुणगान क्यों कर रहे हो? अब मैं विषय पर आता हूं। आज देखिए शिवसेना को तकलीफ इस बात की है। के शर्मा आप दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, के शर्मा जी को बोलने दीजिए, तिवारी जी अगर दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। अनुराग जी भी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। शर्मा जी दो लाइन में अपनी बात खत्म कीजिए, और किसी का मोबाइल पास में है जिसमें से हमिंग की आवाज आ रही है, प्लीज अगर आप दूर कर पाए। के शर्मा जी प्लीज अपनी बात को आगे कीजिए, अपना मोबाइल थोड़ा दूर कर दीजिए, बोलिए के शर्मा जी। मैं इसीलिए मैंने पुनः इस बात को कहा, इन्होंने कहा कि इनके जब रथ यात्रा निकला, आडवाणी जी लेकर निकले पुनर्जागरण के लिए, तो मुझे बताइए शिवसेना का कौन सा नेता उसमें था? कोई नेता था? जिस समय जो है 6 दिसंबर के दिन वहां जो सामने मंच पे कौन बैठा था, कौन लोग थे उसमें? तो इस तरह से आप ये मत कहिए, आपका नाम बिल्कुल कहते हैं बाला साहब, हमारे बहुत ज्यादा पुनर्जागरण के लिए बातें कही, लेकिन आप ये मत हमें सिखाइए, ये बस सिखाइए आप। और आपको ये भी बता दूं, इसीलिए आपके दुर्दिन आए हुए हैं, क्योंकि आपने जिस ढंग से भगवान राम के विरोधियों के साथ
रामद्रोहियों के साथ शेयर किया है अपने आप को, इसीलिए दुर्दिन आपको देखने चले। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अब सीधे आपके पास आते हैं। ठीक है अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं। अनुराग भदौरिया जी चाहेंगे बुलाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, केके शर्मा बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम जिसको चाहेंगे बुलाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं बुलाएंगे। राम के नाम पर इतनी ज्यादा सियासत क्यों हो रही है? जिसको न्योता मिला है वो कह रहा है हम तो जाएंगे नहीं भैया, जिसको नहीं मिला है वो इंतजार में बैठा हुआ है कि न्योता मिले उसके बाद हम तैयारी करें। आपकी एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि प्रभु राम के नाम पे राजनीति क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रभु राम तो आस्था का विषय है और आस्था पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रभु राम के नाम पे राजनीति करना चाहती, क्यों पता है आपको? क्योंकि इनको अपने दुर्दिन दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने सही बोला बीजेपी प्रवक्ता ने कि दुर्दिन इनके आने वाले हैं, क्योंकि प्रभु राम की बात तो करते हैं लेकिन प्रभु राम का आचरण नहीं अपनाते हैं। अगर प्रभु राम का आचरण अपनाते तो हमारे देश के अंदर में जो युवा आज परेशान है, क्या परेशान होता? प्रभु राम के ही बच्चे तो हैं, उनका आचरण तो अपने आया नहीं। प्रभु राम तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते थे, लेकिन आपकी सरकार में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप चुपचाप बैठते रहते हो, चुपचाप देखते रहते हो, आप उसके बारे में कुछ करते नहीं हो, तो प्रभु राम आपसे खुश कैसे होंगे? उनके आचरण को नहीं अपना रहे हो आप। देखा कैसे हमारी पहलवान बेटियां किस तरह से न्याय मांग रही थी, किस तरह से उनको रोड पे घसीटा गया, चाहे हथरस की बेटी हो या हमारे मणिपुर की बेटी रही हो। आपने तो आचरण अपनाया नहीं उनका, तो वो तो देख रहे हैं ना, दुर्दिन आपके आएंगे। किसान किस तरह से परेशान था, वो भी प्रभु राम के बच्चे थे, उनके रास्ते पे कील कांटी पे छाए गए। जो देश के अन्नदाता थे, देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, इतनी कड़ाके की धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, वो बेचारे देश के लिए पैदा करते हैं अनाज, लेकिन आपने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी बेचारे, उनको भी आपने परेशान किया। तो हम आपसे, मेरा सीधा सवाल है कि प्रभु राम तो कण कण में है, प्रभु राम तो हर एक के मन में है, हर एक के दिल में है, लेकिन आप प्रभु राम के नाम की राजनीति कर रहे हो, इससे लोग आहत हो रहे हैं और प्रभु राम भी इससे आहत होंगे। क्योंकि प्रभु राम चाहते हैं कि, प्रभु राम तो तभी खुश होंगे ना जब उनका, उनके जो आचरण है उनको अपनाइए, जिसको आप नहीं अपना रहे हो। आपने क्या कहा था जब आप जब राजनीति कर रहे थे, आपने तो बोला ना कि हम बुलाएंगे। आप कौन होते बुलाने वाले भाई? कौन होंगे आप? कोई ठेकेदार हैं क्या प्रभु राम के? कब से ठेकेदार हो गए? भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार कब से होगी भाई? आप तो ठेकेदार नहीं हो सकते ना प्रभु राम के। प्रभु राम तो सबके हैं। अरे तो आप प्रभु राम बुलाएंगे, सब जाएंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं ना। शरद पवार जी ने कहा कि नहीं न्योता आया है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख ने कहा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने कहा कि न्योता नहीं आया है। बाकी भी दलों के नेता बोल रहे हैं न्योता नहीं आया है। आपकी डिंपल यादव ने कहा न्योता नहीं आया है। तो सब लोग इस तरह की बातें भी तो बोल रहे हैं ना। सुन लीजिए, अरे उनके न्योता का कोई इंतजार नहीं कर रहा है, कोई उनके न्योता का इंतजार नहीं कर रहा है। प्रभु राम है ये, प्रभु राम जिसको बुलाएंगे सब जाएंगे। इनके बुला, सुन लीजिए, मेरे प्रभु, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरे बात पूरी नहीं होने देते आप, सवाल पे सवाल दागते। मैंने कहा प्रभु राम, प्रभु राम जब बुलाएंगे सब जाएंगे। बीजेपी के, बीजेपी ये कहे कि हम बुला रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी कौन होती बुलाने वाली, ये सवाल ये है। इसलिए इनसे कह रहा हूँ कि इनको इस बात का इसको इस बात का डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि उनको 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है। उन्हें पता है कि 100 स्मार्ट सिटी उन्होंने नहीं बनाई, उन्हें पता है कि किसान की इनकम दुगनी नहीं की, उन्हें पता है अग्निवीर 10 सेकंड मैंने इतने देर बाद आए तो 10 सेकंड बोलूँ ना, 10 सेकंड बोलूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इन्हें पता है कि 100 स्मार्ट सिटी इन्होंने वादा किया था नहीं बनाया, इन्होंने किसान की इनकम दुगनी नहीं की, किसकी सरकार बोलते थे 2014 में, तो इस बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इंडिया सरकार। सुन लीजिए, राजनीति राम के नाम पर और न्योता मिला नहीं मिला, क्या ये मुद्दा महत्वपूर्ण है आज की तारीख में? क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि न्योता हमको क्यों नहीं दिया गया। ये चित्रा जी, हमको तो न्योता दो, न्योता मत दो, हम तो लेकिन मरते मर जाएंगे मगर नहीं जाएंगे वहां पर कभी भी, ये तो फिक्स है। अरे 6 दिसंबर 1992 को हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया आपने, और उसकी जगह पे अभी आप मंदिर बना रहे हो, और आप पूरे देश के अंदर बीजेपी ने एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है इसको। मुझे यकीन है चित्रा जी, अगर राम जी होते तो बोलते कि नहीं मत करो ये सब चीज, किसी की मस्जिद को तोड़ के तुम मंदिर नहीं बना सकते, मुझे यकीन है इस बात का। मगर ये लोग, देखो दीवानों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, इनकी छोटी ओछी सियासत के लिए
पूरे के पूरी तरह पोलराइजेशन करने पर लग गए। मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त है चित्रा जी, मुझे बोलते हैं वारिस भाई ये सिर्फ नौटंकीबाजी कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं। पहले राम मंदिर के नाम के ऊपर लोगों ने एक ट्रस्ट बना दिया, घपला कर दिया उसके अंदर, एक एक रात में करोड़ रुपया बढ़ने लग गई अभी जगहों की कीमत। इस तरह से घपलेबाजी आप लोग कर रहे हो। और अभी मैं यहाँ बैठ कर सुन रहा था चित्रा जी के जो शिवसेना के हमारे प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए है, गर्व से कह रहे थे कि शिव सैनिकों ने मस्जिद को गिरा दिया। हाँ। अरे शर्म आना चाहिए। आज वही शिवसेना के साथ में कांग्रेस जो सेक्युलर बन के बैठी थी जाके बैठी हुई है। हाँ। सुनिए 10 सेकंड चित्रा जी, मैं बताना चाहूंगा देशवासियों को, देखो ये कांग्रेस का असली चरित्र, जिन्होंने हमारी मस्जिद को गिराया, आज उनके साथ निकाह करके बैठे हुए महाराष्ट्र के अंदर भी। अब इलेक्शन आएगा ना, स्टेज पे खड़े होके बोलना तुम ये बात शिवसेना, और साथ में कांग्रेस तुम्हारे बाजू में बैठा होगा, तब खड़े होकर बोलना चिल्ला चिल्ला कर कि हमको गर्व है कि शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। बोलना चिल्ला चिल्ला के उद्धव ठाकरे ने जो महाराष्ट्र की असेंबली में कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि हम शिवसैनिक और हमको गर्व है कि हमने मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये मैं चाहूंगा कि आप बोलिए स्टेज से खड़े रहकर किशोर तिवारी, फिर जनता जवाब देगा, जनता आपको जवाब देगी। बात नंबर दो चित्रा जी, बड़ी अहम बात है, बीजेपी के या शर्मा जी बैठे हैं, बीजेपी के ही सुब्रमण्यम स्वामी भी है ना, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा और उनके काफी लोगों ने ट्वीट भी किया है, रिट्वीट भी हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो वहां जा ही नहीं सकते, प्राण प्रतिष्ठा पूजा के अंदर मोदी जी हिस्सा ही नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर हिस्सा लेने के लिए तो आपको कपल होना चाहिए, आप इंडिविजुअल कैसा जा सकते हैं। ये तो बोलते हैं खराब हो जाएगा, बोल के उल्टा काम हो जाएगा देश के अंदर, प्रगति हो सकता है, मत करिए ऐसे काम, देश को किसी की बुरी नजर ना लगे हम ये दुआ करते हैं, ऐसे ऐसे काम आपके लोग बोल रहे नहीं होना चाहिए। और किस तरह किसका किस लिए, इसको नहीं बुलाएंगे उसको नहीं बुलाएंगे 22 तारीख को ये कर देंगे, अरे शर्म आना चाहिए किसी की आस्था। अगर सुप्रीम कोर्ट, मुझे यकीन है जिस दिन बाबरी मस्जिद वहां पर होता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता ना, तो आज आप ये खुशी नहीं बना सकते होते, आज होती वहां पे हमारी बाबरी मस्जिद, चुका है बारिश पठान जी, एएसआई के सर्वेक्षण के आधार पर जो साक्ष्य मिले उस पर कोर्ट ने फैसला दिया बारिश पठान जी। अब आप फिर पुरानी बातों में चले जा रहे हैं चित्रा जी, ये संघर्ष 500 सालों का रहा है बारिश पठान जी, बीजेपी आरएसएस के आने के बाद का संघर्ष हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को याद दिलाएंगे जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आस्था की बुनियाद पे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर कोई भी मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण को आधार, मेरे पास किताब है वारिस पठान जी, मैंने पूरी डिटेल रखी हुई है, आप नहीं नकार सकते, आप नहीं नकार सकते, मैंने पूरी डिटेल निकाल कर रखी हुई है। मैं बोल देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वारिस पठान जी, मैं दो लाइन बोल देती हूँ। खुदाई में पुराने समूचे मंदिर का नक्शा और अवशेष मिला था, एक शिलालेख भी मिला था जो कि प्राचीन मंदिर की गवाही देता है। एएसआई की खुदाई की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भगवान राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर बना था उसे ही तोड़कर ठीक उसी जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, इसीलिए दूसरे पक्ष का दावा खारिज हुआ, सरकार को मंदिर बनाने के लिए पुनर्निर्माण का आदेश दिया और एक स्वतंत्र ट्रस्ट का गठन किया जाए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, मैं मेरे सामने किताब है, मैं ऐसे हवा में कोई बातें नहीं बोल रही हूं। अरे मैं हवा में कोई बातें नहीं बोल रही हूं। 10 मरतबा वारिस पठान जी पर इंटरप्रिटेशन कैसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस। अरे एएसआई के सर्वेक्षण के आधार पर जो बातें हुई उसके अब उसी को मैं बार बार रिपीट करूंगी तो समझ में नहीं आया। अब तो आ चुका, अब तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, अब तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मुझे लग रहा है कि एक बार तिवारी जी आप अपना जवाब दे दीजिए, जो बातें उनकी ओर से शिवसेना के संदर्भ में कही गई है कि कांग्रेस पार्टी के साथ बैठकर क्या आप डंके की चोट पर इस बारे में बोलेंगे कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हाँ हमने गिराया था गुंबद को और अगर हमारे कार्यसेवक उसमें शामिल रहे तो हमें फक्र है, गर्व है, ऐसा बोलेंगे क्या कांग्रेस पार्टी के बगल में बैठकर? फिर पंकज जी मैं बोल रही हूं आपके पास। देखो 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 चित्रा जी ये सत्य है और मैं मुझे अभी भी गर्व है कि हमने विवादित ढांचा गिरा दिया। वो गिरता नहीं तो आज राम मंदिर का निर्माण ही नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आता। तो जो सत्य है वो सत्य है और आज के राजनीतिक परिस्थितियों में हम बीजेपी से दूर चले गए और हमने कांग्रेस से जो नजदीकियां बढ़ाई है और इंडिया अलायंस के हम मेंबर है, यह हम इकोनॉमिक एजेंडा और देश के सामने
प्रजातंत्र को जो खतरा उपस्थित हुआ है उसके लिए किया है। कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आपको तो न्योता नहीं मिला है लेकिन उनके तीन नेताओं को न्योता दिया गया है, उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए 22 जनवरी को? जरूर आना चाहिए, एक राष्ट्रीय फंक्शन है, आना चाहिए। लेकिन बीजेपी ऐसा समझ रही है कि ये बीजेपी को पुनर्जीवित करने वाला फंक्शन है और पूरा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। और इसका जवाब मैं ले लूंगी पंकज जी से टिप्पणी ले लेती हूँ, आधे घंटे से बैठे हुए। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इतना कंफ्यूजन क्यों है? अब दक्षिण से लेफ्ट के नेता उनके साथ के बाकी दल दबाव बना रहे हैं कि नहीं नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, आप सेकुलर पार्टी हैं, हमने इंडिया गठबंधन इसीलिए किया कि आप इस तरह से कोई भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या कंफ्यूज है राम के नाम पर? पंकज शर्मा जी, केरल सरकार के मंत्री की ओर से भी इस तरह का बयान दिया गया है, वो बयान हम सुनाएंगे लेकिन उसके पहले आपकी टिप्पणी पंकज जी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा होता तो सब लोग जाते, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है कहाँ? ये तो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन और आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन हो रहा है। ट्रस्ट तो सिर्फ मुखौटा है, असली आयोजक तो प्रधानमंत्री कार्यालय है। निमंत्रितों की सूची पीएमओ में काम कर रहे अनौपचारिक समूह ने तैयार की है। देखिए, अगर ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता तो हम उम्मीद कर सकते थे कि आमंत्रितों की सूची संतुलित और सर्वसमावेशी होगी। अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी अगर इसका आयोजन कर रहा होता तो भी शायद हम उम्मीद कर सकते थे कि ये जो निमंत्रण है ये श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना भेजे जाएंगे। लेकिन न तो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और न इसका आयोजक ट्रस्ट है, असली आयोजक कहीं और है। आप ये देखिए कि जो ट्रस्ट का कार्यालय है वो तक अयोध्या में नहीं है, अयोध्या में तो कैंप ऑफिस है। ट्रस्ट का कार्यालय चित्राजी, आपको मालूम है रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? R20 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 नई दिल्ली, इस 3 मंजिला इमारत में है। जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनको कोई पूछ नहीं रहा। महासचिव जो है चंपत राय जी, उनको मालूम ही नहीं है कि किसको बुलाया जा रहा है और किसको नहीं। कोषाध्यक्ष जी हैं गोविंद देव गिरी जी महाराज, उनके हाथ में हिसाब किताब है नहीं। सारा काम तो मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र जी वो कर रहे हैं, और निर्माण समिति में 3 रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और 1 रिटायर्ड डीन है दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के। तो सारा जब उनके हाथ में है तो न तो ये उस तरह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है रामलला का और न ये ट्रस्ट का आयोजन है। इस आयोजन के पीछे कौन है और वो किस तरह कर रहे हैं? इसलिए अगर इस तरह के आयोजन में जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, अगर राजनीतिक दल विपक्ष के नहीं जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मेरी तो व्यक्तिगत राय है कि उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पूरा राजनीतिक इवेंट बना दिया है ना प्रवेश चौधरी जी, आपको जवाब दे देता हूं। मैं आ रही हूँ, केके शर्मा जी स्टूडियो में आए हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए प्रवेश जी, पंकज जी को छोड़ो। प्रवेश चित्रा जी, राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है आप लोगों ने, राजनीतिक का कार्यक्रम कहाँ रखा है? नहीं, विश्व हिंदू परिषद तो समाज का संगठन है और वो समाज की दृष्टि से, समाज की सोच से काम करता है। इस देश को और इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को आज एक उनके लिए एक उत्सव का माहौल बन गया है और 22 तारीख को वो दिवाली की तरह उसको सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। क्योंकि ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई जो 500 वर्षों से चल रही थी, ये केवल एक मंदिर मात्र के लिए नहीं हो रही थी, ये जन्मभूमि पर मंदिर के लिए हो रही थी। और इसलिए हो रही थी क्योंकि राम जो है वो भारत की पहचान है, राम भारत की अस्मिता है। इसलिए चित्रा जी, लातूर के अंदर एक वृद्धा आश्रम में काम करने वाली महिला हनुमंत लादे, वो एक महिला काम कर रही है वृद्धाश्रम में, खाना बनाती है, वह भी पैसा एकत्रित करके 51,000 रुपए राम मंदिर के लिए निधि समर्पण में देती है। यही नहीं, -20 डिग्री टेम्परेचर लद्दाख के अंदर, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं शंटुक जी, वो वहां के सारे गुंपाओं को इकट्ठा करके राम मंदिर के लिए देते हैं, अनुदान करते हैं। वो 95 वर्ष की महिला जो सिक्किम में बैठी है, सिक्किम में बैठी हुई है, वो त्रिपुरा में जो बैठे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा संबंध है राम जी के साथ, वह सब उसमें योगदान देते हैं। इसलिए राम के लिए संघर्ष हो रहा था। और आप कांग्रेस पार्टी और तमाम ये जो लोग, अरे जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा हो
उन्हें निमंत्रण दिया गया क्योंकि हमारा शिष्टाचार है, हम भारत को एक मानते हैं। हमने तो हमेशा कहा ना सर्वे भवंतु सुखिना, हमने सबके कल्याण की बात करी। यही परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी को भी हमने दिया, वामपंथियों को भी हमने दिया, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, ये उनकी बुद्धि। जो आना चाहता है उसको तो आप बुला नहीं रहे हैं, जो नहीं आना चाहता है उसको जाके आपने इनविटेशन पत्र दिया। जी अभी समय है, आप लोगों के भी दिमाग में क्या चल रहा है बताएंगे आप प्रवेश जी? अभी समय है, अभी समय है, जो लोग आना चाहते हैं उनको निमंत्रण नहीं। शरद पवार जैसे इतने बड़े नेता है, पूर्व कृषि मंत्री, हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमें तो मिला ही नहीं। अभी हमने निमंत्रण उसको भी दिया जो 31 वर्षों से भोजन ही नहीं ले रहे थे, और किशोर तिवारी 31 वर्षों से भोजन ही ले रहे थे, उनको भी निमंत्रण दिया गया। बुलाया है आप लोगों ने? नहीं, वो सबको जाएगा निमंत्रण। कल भी मैं किशोर जी के साथ था, मैं यही कह रहा था। अभी समय है, समय का इंतजार करिए, आप सबको निमंत्रण मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर जो है वो देश की एकात्मकता को स्थापित करने वाला मंदिर है। चित्रा जी आपको हैरानी होगी कि घाट पर हाँ। जिम्मेदारी से बोलिएगा कि क्या जितनी भी पार्टियां हैं सभी को बुलाया जाएगा। ऐसा है, किशोर तिवारी जी खुश हो सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह स्पष्टता की, हम सभी सम्मानित जो जन है जो भी अध्यक्ष है उनको निमंत्रण देंगे। अब उनकी एक महत्वपूर्ण बात, को निमंत्रण देंगे, शरद पवार को निमंत्रण, चित्रा जी सबको जाएगा। चित्रा जी हाँ। एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, आप सुनिए किशोर जी, आपके मुंबई की है, आप देखिए कि भारत में जो राम मंदिर बन रहा है, जुड़े हुए लोग बन रहा है, उसका महत्व कितना है। महत्व ये है कि घाट कोपर मुंबई के अंदर जो वेश्यावृत्ति करती है महिलाएं, ऐसी महिलाओं ने एक समूह इकट्ठा करा और निधि समर्पण अभियान के अंदर वो जुड़ी। आप सोचिए कि कितना ज्यादा भाव राम के प्रति लोगों ने पैदा किया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज राम के नाम पे राजनीति करना बंद करें। आपको निमंत्रण आए, आप जाए, नहीं तो आपके निकट में कोई मंदिर है, उस मंदिर पे बड़ा सा डिस्प्ले लगेगा, वहाँ डिस्प्ले पर जाकर के उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आनंद ले। देश भर के करोड़ों मंदिरों में इस प्रकार का एक पूरा कार्यक्रम होने वाला है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को निमंत्रण जाएगा नहीं जाएगा, बीएसपी के प्रवक्ता हैं, जिम्मेदारी से बताइए। मैंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दो होने वाला बात कही है, सभी को निमंत्रण जाएगा। ये आलोक कुमार जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने कुछ समय पहले ये बात कही। कब तक इंतजार करें? इंतजार करिए ना, अभी तो बहुत समय है। आज तो 28 तारीख की है, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपको प्रवेश जी को नहीं मालूम है कुछ भी। बीएसपी के प्रवक्ता किशोर जी जो मैं कह रहा हूँ वो विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मजबूती के साथ कह रहा हूँ और जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ। आप अभी 4-5 दिन वाला स्टेटमेंट निकालिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अनुराग भदौरिया जी हो जाए, फिर तो डिम्पल यादव जी जाएंगे, वो कह रही थी निमंत्रण मिला तो जाएंगे, और प्रवेश जी यहाँ पर जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि निमंत्रण जाएगा सबको। देखिए आप समझ गए होंगे, जितनी देर की हम लोगों ने डिबेट की आपको पता चल गया होगा कि निमंत्रण बीजेपी बना रही है, उनको खुद नहीं पता है। वो बेचारे अपनी इज्जत बचा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम जाएगा, अभी जाने अभी समय है। उन्हें मालूम नहीं, उन्हें खुद ही नहीं पूछा जा रहा है, ये बीजेपी निमंत्रण भेज रही है, क्योंकि बीजेपी इसको, बीजेपी को पता है राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पे बीजेपी से राजनीति करना चाहती है। वो सोच रही है जनता ने मुझे नकार दिया है तो इसी बहाने से, लेकिन प्रभु राम तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, वो समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। सनातन धर्म में भगवान सबसे बड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ी कब हो गई कि हम निमंत्रण भेजेंगे? अरे प्रभु राम बुलाएंगे, सब लोग जाएंगे, लेकिन इससे साफ जाहिर हो गया बीएचपी के प्रवक्ता से, बीजेपी के प्रवक्ता, अरे अनुराग जी बीजेपी का क्या लगाने उड़ा रहे हैं, पार्टी से वालों ने मना कर दिया, इसलिए आप इसमें आप डिबेट ही नहीं समझ पा रहे। और मैं पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रपति जी को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, ये भी बता दीजिए। उपराष्ट्रपति जी ने क्या बिगाड़ा, उनको क्यों नहीं बुला रहे? जन्मभूमि मंदिर भेज रही है आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी, उनको निमंत्रण दिया गया है ना, जोशी जी को निमंत्रण दिया गया, आडवाणी जी को निमंत्रण दिया, आप देखिए तो। अरे तो बुलाइए, लेके आइए राष्ट्रपति जी को, निमंत्रण दिया गया है, देश की प्रथम महिला है के शर्मा जी, के शर्मा जी, ठीक
ठीक है, के शर्मा जी जवाब जी को बुलाएंगे, के शर्मा जी उपराष्ट्रपति जी को बुलाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो प्रभु राम के नाम पे, प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है और आप उसमें राजनीति करना चाहते हो। आप आस्था कहाँ मान रहे हैं? अगर आस्था मानते तो निहत्ते राम भक्तों पे गोली नहीं चलाते आप। आपका और आस्था से कोई लेना देना नहीं है। विकास की कर रहे हैं, बाकी लोग आपका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक न्याय की कर रहे हैं, सामाजिक न्याय पे बात करिए ना। आपको जानकारी है, आपको जानकारी है, आपके लिए 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन जिस दिन ये निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई वो वाल्मीकि समाज के बंद से शुरुआत हुई और जिस दिन निधि समर्पण अभियान का अंतिम दिन था उस दिन रविदास जयंती थी। ये होता है सामाजिक न्याय, ये होती है सामाजिक समरसता। आपको क्या मालूम ये समाजवादी पार्टी जो दलितों के आरक्षण पर कुंडा लगाकर बैठ गए उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई जानता नहीं है क्या? शंकराचार्य ये बात मत करिए, आपको जानकारी नहीं है सर। शंकराचार्य हैं, हमने अपने अभियान की शुरुआत करी वाल्मीकि समाज के मंदिर से और अपने अभियान का अंत किया रविदास जी की जयंती पे किया। हमने एक एक कार्यक्रम उस सेवा पर क्यों बजा कर किया। 10 रुपए का अनुदान जो अर्जुन राम दे रहा है वो 10 रुपए का अनुदान अपनी फटी हुई कमीज से निकाल कर दे रहा है। ऐसा हुआ है राम मंदिर का निर्माण, आपको क्या मालूम है? जनता है, आपको क्या मालूम है? बात कर रहे हो, कल भी कर रहे थे टेस्ट का पैसा 12.5 करोड़। 8,000 लोग तकरीबन जिनको निमंत्रण जाएगा, जिनमें से 4,000 साधु संत हैं। मेरी जब बातचीत हुई थी उनमें 4,000 साधु संतों को बुलाया जा रहा है। लेकिन के शर्मा जी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, अनुराग भदौरिया ने जो सवाल खड़े किए हैं। के शर्मा जी देखिए, पहली बात तो यह, समाजवादी पार्टी इसको तो अधिकार ही नहीं है चित्रा जी, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की जो है गोली मार के हत्या की हो और सरयू नदी को पाट दिया हो, ये हत्यारों को ये हत्यारे किस मुंह से जाएंगे? सहयोगी मंत्री ये हत्यारे किस मुंह से जाएंगे? चित्रा जी, चित्रा जी, अनुराग जी, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। अनुराग जी, फिर डिबेट कैसे होगी आप बताइए? संजय निषाद जी को तो आपने मंत्री बना रखा है, आप इतने प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आप अनुराग जी ऐसा करेंगे तो डिबेट कैसे होगी? आपने उसको पार्टी में ले लिया, पार्टी में लेने के बाद आपने उनको उनके बेटे को राम का मंत्री भी बना दिया। तोते का मुंह बंद कीजिए पहले, प्लीज 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 अनुराग भदौरिया जी प्लीज। फिर यही यही ये ये प्रभु राम का आचरण नहीं है। देख लीजिए चेहरा देख के साफ उजागर हो गया, किस तरह की भाषा प्रभु राम के अनुयायी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? प्रभु राम के अनुयायी राम भक्तों के हत्यारों चुप रहो। हम देखो आपका सम्मान, मुझे बात बोलने देंगे, ये उचित अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर एक मर्यादा होती है, आपके अंदर है ही नहीं वो। आप देखिए क्या बोल रहे हैं, आपकी भाषा शैली देखिए, शर्मा जी पता चल गया प्रभु राम के भक्त अनुराग जी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, अनुराग जी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। के शर्मा जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए आज अभी जितना आपने चाहे पंकज शर्मा जी से आपने बयान सुना, चाहे अनुराग भदौरिया का सुना, चाहे वारिस पठान, क्या स्थिति है इससे क्या आकलन करते हैं चित्रा जी? चित्रा जी स्पष्ट रूप से कैसे बहिष्कार किया जाए राम जन्मभूमि का, ये स्पष्ट दर्शाता है। और ये बात मैं आपकी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यदि इस देश के उस समय इस देश में यदि कांग्रेस या उसकी गठबंधन की सरकार होती तो मैं दावे से कहता हूं आज तक मंदिर नहीं बना होता। ये कोई ना कोई कारण बना के कहते कि समाज में जो है वो फैल जाएगा, दुर्भावना हो जाएगी, ये मंदिर नहीं बनने देते। इसीलिए आज तक जब से शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के पहले दिन से पहले तो ये महान ज्योतिषी बन गया कि मुहूर्त गलत है, दिग्विजय सिंह ये बयान देने लगे, ये कांग्रेसी कहने लगे, इसके बाद इन्होंने झूठा आरोप लगाया चंदे का ताकि जो है करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की आस्था डोल जाए इस मंदिर से। इसलिए कोई कोर्ट नहीं गया, झूठे झूठे कांग्रेस पार्टी और ये आप पार्टी बैठ के और समाजवादी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज तक कोई एक सबूत नहीं दे पाया। आज इसके जो है जब उनका वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो फिर विवाद पैदा कर रहे हैं, कोई ये बहिष्कार करने के नए नए तरीके ला रहे हैं ताकि ये एक्चुअल रामद्रोही हैं और इनको पता है कि यदि मैं इस बात को इसीलिए फिर से दोहरा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी ये मंदिर नहीं बना होता यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते और ये देश में जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आज भी राम के प्रति नफरत साफ देखने को मिलती है। हमारा दिल तो बहुत ही आहत है चित्रा जी, क्योंकि आपको पता है बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद वहां पर खून की होली खेली गई है, कितनों की आस्थाओं का दफन कर दिया गया है, कितनों की
जाने चले गई है वहां पर, और उसके ऊपर आप इस तरह का घर मंदिर बना के दिया वाले को दिखाएंगे, देखो हमने मुसलमानों के साथ ये अन्याय कर दिया, तो मैं समझूंगा कि प्रभु राम कभी आपसे खुश नहीं होने वाले, ये बात याद रखना। अगर प्रभु राम होते तो कभी नहीं चाहते कि आप इस तरह दूसरों की आस्था को कुचल के, दूसरे की मस्जिद को तबाह बर्बाद करके, दूसरे की मस्जिद को शहीद करके ऊपर मंदिर बनाओ और उसके ऊपर सियासत करो अपनी, ये कभी।